कुरुक्षेत्र एक ऐतिहासिक धरती तो है ही, लेकिन कृषि प्रधान हरियाणा में ये धान का कटोरा भी कहलाया जाता है। चुनावी मौसम में चलिए लेते हैं अनाज मंडी का जायजा, क्योंकि किसानों को जोड़ने और साधने की कोशिश लगातार हो रही है। हम लोग हैं लाडवा में, जो कि राजनीति का केंद्र बना है, जहां से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो आइए जानते हैं किसानों का मूड इस मंडी से। सुनिए अनाज की कहानी धर्म सिंह की जुबानी। जी हाँ, धर्म सिंह एक किसान है और यहाँ पे अपनी फसल को लेके आए, उसके बाद हाल सुन लीजिए, क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ तो ये हुआ जी, हम 23 तारीख को जीरी लेके आ गए थे जी यहाँ, जैसे गवर्नमेंट के आदेश थे। अब ये जीरी में 16 मॉइस्चर है, 16.5 मॉइस्चर है जिसमें, अब भी इसकी कोई खरीदारी नहीं हो रही जी, 8 दिन हो गए यहाँ पड़े जी। यहाँ पे 16.5 आया जी, उधर 17 आ गया था जी, उधर मॉइस्चर 17 आ गया, इधर 18 आ गया था जी, उधर 18 आ गया, तो फिर दिक्कत क्या होगी? 16.5 आ गया। हाँ 16.5 आया जी, कम हो गया, ज्यादा सूख गई जीरी जी, ये सूख गई। हाँ जी हाँ जी, अब 8 दिन से पड़ी हुई है। हाँ 8 दिन से पड़ी जी, सुखा के ना पत्थर लगा के यहाँ ढेर मार दिया इसका। फिर अब क्या होगा? अब कहाँ ले जाएं जी इसको, सरकार अनदेखी कर रही जी, इसको खरीद नहीं रही है इसको। समझिए, तारीखों की सियासत में उलझी है इन किसानों की जिंदगी, क्योंकि अब पैडी की खरीद एक बड़ा मसला किसानों के लिए बन रहा है, और इसी में कहीं ना कहीं एमएसपी की समस्या से लेके तमाम उलझनों की उलझने बनी हुई हैं। यहाँ तमाम किसान हैं धर्म सिंह की तरह, और पूरा ये जो मंडी है लाडवा की अनाज मंडी, आप देखिए 360 डिग्री घुमा लीजिए तो हर तरफ आपको यहाँ पे धान ही धान पड़ा हुआ मिलेगा, और इंतजार है कि कब इसकी खरीद फरोख्त। तो आप लोग भी बहुत समय से लाए हुए हैं, कब से लाए? हम 23 तारीख के लिए आए यहाँ जी, और परेशान हाँ बहुत, मतलब कोई सुनवाई नहीं है जी, हम बहुत दुखी हैं। कितना अनाज पड़ा हुआ आपका? 5 एकड़ का पड़ा जी। और यहाँ पे? यहीं पे पड़ा जी 5 एकड़ का। खेत में भी पड़ा हुआ? खेत में भी पड़ा जी, 5 एकड़ खेत में रह रहा जी। दरअसल पहले तारीख 23 थी, 23 सितंबर से खरीद होनी थी, उसके बाद किसानों ने फसल काट ली, और जब यहाँ लेके आए तो तारीख फिर 1 अक्टूबर को शिफ्ट हो गई। हाँ जी, ये सरकार कोई नहीं करता, कभी ये इलेक्शन का टाइम है मैडम, ये जिम्मेदारी फसल, ये इलेक्शन का टाइम है, इनको 15 दिन पहले करा देते, भाई 1 महीने पहले करा देते, जिम्मेदार कहाँ जाएगा? फिर मिनिस्टर कमा के हम यहाँ रूड़े बैठे किसान को। यहाँ देश का अन्नदाता कितना परेशान है, वो आप इन बाबा की मायूसी और उनकी निराशा से समझिए, उनकी बेबसी कि यहाँ पे जो धान है वो पड़ा हुआ है। यहाँ तो जी सरकार में तो सिर्फ किसान को मिली है तारीख, जैसे अब तारीख कह रहे हैं ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, अब वही काम हो रहा है और कुछ नहीं। सरकार ने किसान को तो बर्बादी के तौर पर खड़ा कर दिया, लाने के खर्चे बढ़ा दिए, फसलों के खर्चे, फसलों की कीमतें खत्म ही हो गई, मंडियां पड़ी बिकी नहीं रही, इन्हें तो वही अंबानी अडानी वाला काम चलाना, और बिना कोई नहीं खरीदता, फिर किसान दुखी होगा, अपनी फसल ना दे अंबानी पर अडानी पर बेचेगा। पर क्या फिर दिक्कत आप लोग को क्या आ रही है, मतलब यहाँ पे आप लोग ले आए हैं और खरीद नहीं हो रही? हाँ जी मैडम, उसके अलावा क्या? मॉइस्चर की सबसे ज्यादा दिक्कत है, मॉइस्चर की। हाँ जी मैडम, मॉइस्चर यहाँ मतलब पे कि कितनी नमी रहेगी आपके मैडम, इतनी गर्मी में 2 दिन के सूखने के बाद भी अगर मॉइस्चर धूप लगाएंगे तो मॉइस्चर 15-16 आएगा, यहाँ पे मॉइस्चर बढ़ता जा रहा है। और अगर जैसे कि हमने एफिडेविट को चेक कराया वहाँ पर 16 आया, दूसरे खरीदार आए वहाँ पे 18 आया, हर मैंने दफ्तर में चेक कराया वहाँ पे 16 आया, अब मैडम मॉइस्चर का यही नहीं पता लग रहा, मशीन किसकी ठीक है। अच्छा धर्म सिंह जी समझाइए, अगर कितने दिन पड़ा रहे आपका अनाज जो है बेकार हो जाएगा, अगर बारिश हो गई या कुछ हो गया फिर? नहीं बरसात में तो सारे खराब हो जाएगा जी, अब सूखा अनाज है जी, अगर इसको सरकार खरीद ले तो बहुत अच्छा है जी, बरसात में तो बिल्कुल ही खराब हो जाएगा जी अनाज, बरसात में अब कहाँ ले जाएंगे इसको उठा के? सरकार को क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार को तो यही कहना चाहेंगे जी, अब हमारी जीरी खरीद दे, बस मॉइस्चर चेक करके अपना भराई कराए इसकी। आपकी क्या अपील होगी, क्या समस्या? 4-5 दिन से हम नालियों पर कोई खरीदने वाला नहीं है जी बिल्कुल, और कसों रखवाली करें, जिसके दिन रात जमींदार घर का काम देखा कर मंडी में रहा जी, यहाँ पर
कुछ भी नहीं है। जमींदार बहुत दुखी है जी, बहुत परेशान है जी। जमींदार सभी जमींदार परेशान है जी, बहुत ज्यादा। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई खरीदने वाला नहीं है जी। जमींदार का अनाज बहुत ही बुरा हाल है जी। खेतों में अनाज रुड़ रहा है जी, यहाँ रुड़ रहा है जी। बिल्कुल कोई समाधान नहीं है जी। जमींदार का बहुत तंग है जमींदार जी। सभी जमींदार दुखी हो रहे जी बहुत। सरकार को समझना चाहिए, जमींदार की मजबूरी समझनी चाहिए जी सरकार। बिल्कुल कि बाकी किसान जो इनके गांव के सहयोगी होंगे, बाकी किसान भाई होंगे, वो इनकी सुनते होंगे तो कैसे मंडी आएंगे, वो भी परेशान होंगे। बहुत परेशान है, सबकी अपने घरों में गिर रखी जी बहुत। जिन लोगों ने जीरी वही शिकारे हैं जी, उनके घर में ना रहने की व्यवस्था कुछ भी नहीं। बहुत परेशान हो रहे जी सब, बस फसल को कैसे काट काट के करके अंदर डाल रहे जी। और क्या उसका समाधान है जी? कुछ समाधान नहीं है जी। सरकार तो बिल्कुल अंधी हुई पड़ी जी, जमींदार के बारे में कुछ नहीं सोचती जी बिल्कुल भी। और देखिए ये धान का कटोरा कहलाता है, यहाँ पूरा करनाल से कुरुक्षेत्र कैथल धान बहुत अच्छा होता है, बासमती चावल होता है। और अनदेखी हो रही है। अब ये कट्टों में लगा कर खड़ी कर दीजिए फसल। अब इसमें मोक्चर घटेगा या वजन घटेगा इसका, या ऐसी पड़ी जमींदार की फसल की बेकदरी हो रही, इसमें घाटा पान नफा अड़ते तो लैदी कर काया। ये तो सीएम की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। सीएम क्या कहेगा? सीएम है, सीएम तो काम कर, काम में तो सीएम नहीं, सीएम वाला कोई काम है नहीं उसका। सीएम में तो कोई काम नहीं करा, मतलब मुख्यमंत्री के नाक के नीचे ही अनाज की मंडी है, फिर भी नहीं हो रही है। बिल्कुल, ये तो आप भी देखो, ये जो यहाँ पर सारी जनता ही त्रस्त है इनसे, इनको तो ये कहना सिर्फ काफी है कि सिंहासन छोड़ो अगले की तैयारी है। इन्होंने तो तंग कर दिया 10 साल में, लहू पी लिया। अब ये पवन नायब सैनी जी हैं, ये पहले एमपी थे, क्या किया था इन्होंने 5 साल में? कभी किसी के बार मनी आने का पूछा, किसी का दुख नहीं पूछा, किसी का सुख नहीं पूछा। अच्छा, मेरी फसल मेरा ब्यौरा एक स्कीम भी है बाबा, जिसमें आपको पूरा एंट्री करना होता है सारे। उसमें ये है कि भाई जो बिचौलिए हैं बीच में वो गायब हो जाते हैं, तो आपको उचित दाम मिलता है। वो उलझा दी सरकार ने, कोई क्या इसमें पोर्टल में जिम्मेदार को जिम्मेदार बाहर से जाके बेच देगा, अपने खेत से यहाँ जा देगा, कहाँ से उठा के जाएगा जिम्मेदार? क्या है पोर्टल में जिम्मेदार अपने खेत से मुश्किल से जाएगा, बाहर से कहाँ से जाके यहाँ? यहाँ पे देखिए कुछ आड़ती भी हैं, उनसे पूछते हैं कि ये क्या पूरा मामला है। खास तौर से ये बात क्योंकि कहा गया कि ये काफी डायरेक्ट योजना लिया है, आप जैसे आड़तियों की जरूरत नहीं है, कमीशन खोरी की जरूरत नहीं है, पर आपको लगता है कि ये बहुत एक टर्निंग पॉइंट है क्योंकि फसल नहीं खरीदी जा रही? देखिए सबसे प्रैक्टिकल जो बात है, एक इंस्पेक्टर पूरी मंडी की जीरी नहीं खरीद सकता। इसको उठाते हैं लाडवा में 30-35 साल में, प्रॉपर लाडवा की बात करता हूँ, ये लागू पूरे हरियाणा में होती है। अच्छा। पूरे देश में होती है। 30-35 राइस मिलर हैं, वो सरकार के साथ एग्रीमेंट करते हैं कि मैं 1 लाख बोरी के चावल कूट के सरकार को दूंगा। ये जीरी सरकार खरीदती है और उठा के ले जाते हैं राइस मिलर, वो हमारे पास आते हैं, हम जीरी देखते हैं, चेक करते हैं, अगर किसी में 2-4% मॉइस्चर ज्यादा है वो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करके वो ले जाते हैं और अपने वहाँ उनके पास बड़े बड़े फड है, ड्रायर है, उसमें लगा के उसको सेट कर देते हैं जीरी को। अब दिक्कत क्या आ रही है? अब राइस मिलर्स के साथ सरकार बात नहीं कर रही है, उनकी अपनी कुछ डिमांड्स हैं जिसके लिए सरकार बिल्कुल भी बात नहीं कर रही है। कल हमारे आड़ती सीएम साहब से भी मिले, उन्होंने जवाब दे दिया 5 तारीख के बाद बात, क्योंकि ये आप कह रहे हैं कि चुनावों की पूरी तारीखों में भी कहीं ना कहीं किसानों के अंदर। यस बिल्कुल जी। कल कई आप लोग जब मिले तो कुछ समाधान आगे का क्या होगा? इनकी प्रोग्रेस तो पैडी खरीदी नहीं होगी? नहीं होगी जी, क्योंकि 17 जो गवर्नमेंट बोलती है अभी 17 मॉइस्चर की जीरी हम खरीद रहे हैं, ठीक है। 17 मॉइस्चर की पूरी मंडी के अंदर 20-25% जीरी आती है, 70% जो जीरी आती है उसमें मॉइस्चर 1-2% फालतू होता है, और वो मॉइस्चर इसलिए फालतू होता है कि मौसम खराब है, इसमें नमी है, इसमें किसान कुछ नहीं कर सकता, किसान उसको बना ही नहीं सकता। अगर जितना कम हो उतना अच्छा है कि जितना ज्यादा हो, या एक मापदंड माप 17 मॉइस्चर माप है, 17 मॉइस्चर वाली जीरी रुक जाएगी, वो सेलर में भी रुकी रहेगी। तो धर्म सिंह जी का क्या होगा फिर, इनकी जाएगी अनाज बिकेगा कि नहीं बिक पाएगा? धर्म सिंह अभी जो सरकारी एजेंसी वाले आए थे, हमने उनको दिखाई, इधर 16.5 उधर 17, एक तरफ 18, इस तरह आई, तो हमने उनसे पूछा कि भी भर दें, वो कहे जी हमारी जिम्मेवारी नहीं है, आप भर दो, मैं भर दूंगा गवर्नमेंट को, फिर जाएगी ये गवर्नमेंट के सेलर में और वहां जाके वो उसका निकाल देंगे, 19 मॉइस्चर है, तो फिर ये वापस आएगी, वो सारा खर्चा मेरे ऊपर पड़ेगा। तो क्या मांग आप करना चाहते हैं? सारे किसान भाई इधर आ जाए, सारे देश के अन्नदाता, आप लोग एक एक लाइन में बताइए। सरकार नहीं बल्कि जो भी नेता है, सियासतदान है, किसानों की बात रहती है, एक लाइन में बताइए क्या चाहते हैं?
मारी जीरी बिका जी, हम उसमें खुश हैं जी। यही बात है मैडम जी, सबसे मेन बात तो मोस्टर की है, किसान के हाथ में वो चीज नहीं है। गवर्नमेंट कहती है 17 मोस्टर लेके आओ, किसान के पास घरों फट नहीं है। जब तक ये चीज नहीं बात बनेगी तब तक जीरी में दिक्कत यही आएगी। 5% जीरी आती है 17 मोस्टर की। 17 मोस्टर तो उन दिन ही जी, ये तो मोस्टर के नाम पे वैसे ही बहड़ा मोस्टर मास्टर पहले भी आवा दे जी, पहले भी मशीन लगा दी, पहले भी जीरियां उठा दी। 10 साल हुए तो इन्हें तो जीरी का गेहूँ का सारी चीज का नाश कर दिया, किसान का नाश कर दिया, किसान दुखी है। मैडम जैसे कि एक बंदे की एक महीने की मान लो तनख्वाह ना आए, वो हड़ताल कर लेगा, जिमीदार क्या करेगा बंदा? जिमीदार कहाँ जाएगा, किसके किसके दरबार में जाएंगे? अगर करनाल डीसी ऑफिस में जाते हैं वहां से डीसी से नहीं मिलने देते हमारे को। वो 17 मोक्षर की बात करते हैं, 16 भी आ रहा है, 15 भी आ रहा है, उठाओ तो सही यहाँ से। जब उठेगा तभी तो मंडी में कुछ बनेगा कि जिमीदार फसल लेकर आएगा अपनी। मुझे लगता है कि ये रिपोर्ट अपने आप में बहुत कुछ किसानों की समस्याओं के बारे में बखान और कहानी कहती है। कहीं ना कहीं देखने की जरूरत है कि किस तरह से मापदंडों, आंकड़ों और तारीखों के हेर फेर में देश के अन्नदाता यूं ही उनकी जिंदगी जो है संघर्ष में पिस रही है। और ये हाल उस इलाके का है जिस पर सारा चुनावी फोकस है और एक VVIP असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है। कैमरा पर्सन सत्या रोत्रे के साथ मौसमी सिंह, लाडवा, कुरुक्षेत्र, आज तक।